संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर भाजपा ने बृहस्पति कार्यालय पर गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही सभी से संविधान को पढ़कर डॉक्टर अम्बेडकर को जानने का आह्वान भी किया गया। लेकिन अब वह हट गया है, तो जो सबको मताधिकार अधिकार दिया, पुरुष स्त्री अनुसूचित अन्य, ये उनका एक बहुत बड़ी देन थी लोकतंत्र के लिए, इसलिए उनके बारे में उनको जितना भी नमन किया जाए भारत रत्न बाबा साहेब को वह कम है। जुड़ना चाहिए और संविधान के तहत जो जाति व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको संदेश देश हित में और देश के लिए दिया, किसी जाति विशेष के लिए नहीं दिया। बाबा साहब के मिशन को समाज में आगे बढ़ा रहे हैं और समाज के अंदर काफ़ी बहुत बड़ा परिवर्तन सरकार के माध्यम से आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी का कार्यकर्ता भी इस मिशन में पूरी तरह से लगा हुआ है और बाबा साहब के सिद्धांतों को स्थान स्थान पर फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी ने किया और उन्हीं का अनुसरण करके हमको अनुसूचित मोर्चे के कार्यकर्ताओं को जगह जगह पर स्थान स्थान पर परम पूज्य बाबा साहब के सिद्धांतों को पहुँचाना चाहिए, ये मेरा संदेश है। बाबा साहब के संविधान को पढ़ेंगे, आज सभी कार्यकर्ताओं ने एक जो गलतियां हुई हैं उस गलतियों को सुधारेंगे, संविधानों के बारे में अभी तक लोगों ने नहीं पढ़ा है वो संविधान पढ़ेंगे, ये विचार गोष्ठी विरोध में जो समाज को देश को बांटने का काम करेगी, यही श्रद्धांजलि के संग और इसी संकल्प के संग बाबा साहब को भारतीय जनता पार्टी महानगर ने श्रद्धांजलि दी है, इसी बात के संग बात करें। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि भारतीय भारत में रह रहे जितने भी उनके अनुयायी हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हों लेकर वाल्मीकि समाज तक हों, उन्होंने सभी का भले का उद्धार का काम किया था। आज आदि आबादी का भी उन्होंने जो महिलाओं के लिए जो हक दिए थे केवल बाबा साहब के द्वारा दिए गए थे। ये दलित समाज हमारे जो जिनके भारतीय जनता पार्टी जिन नीतियों पर चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उनका भी अंत्योदय का जो सपना था, जो दोनों की एक जैसी सोच थी, आज ऐसे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मैं आज के दिन उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग बताए हुए उनके मार्ग पर चलेंगे।